नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन प्लस सेवन के बारे में। कुछ स्पेसिफिकेशन इसके लीक हुए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। क्या इसका रैम होगा, कितने वेरिएंट में आएगा, क्या ये 5G होगा या नहीं होगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, ड्यूअल कैमरा सेटअप होगा, क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको इस बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, कब ये फोन लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगी, इंडिया के अंदर कब आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं वन प्लस सेवन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ, ये फ़ोन जो है बेसिकली दो वेरियंट के अंदर होगा। पहला इसका जो होगा वन प्लस सेवन और दूसरा इसका होगा वन प्लस सेवन प्रो। तो जी हाँ, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या क्या हमें इस फ़ोन के अंदर मिल पाता है। वही पॉपअप सेल्फी कैमरा डिज़ाइन हमें इसके अंदर मिल पाएगा, इसके बारे में तो आपको पता ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसके बारे में कहना है कि इसके अंदर 6.64 इंच का कवर्ड क्वाट HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले, नाम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, समझ गए होंगे आप, ये डिस्प्ले इसके अंदर मिल पाएगा। और यदि बात करें इसके हम वेरिएंट की, तो भैया इसके अंदर जो है हमें बेसिकली तीन वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, 6 GB, 128 GB और इसका जो है 12 GB, 256 GB का वेरिएंट इसका हमें देखने को मिल सकता है। और इसका एक वेरिएंट हमें मिल सकता है 128 GB, 8 GB, यानी तीन रैम वेरियंट हो गए, 8 GB, 12 GB और 6 GB। स्टोरेज हम बता ही चुके हैं, 128 GB और 256 GB। तो आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा खरीदना है इनके अंदर से। और हाँ, बात कर लेते हैं इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी मिलेगी हमें, वार्म चार्जर के साथ 30W का चार्जर, फास्ट चार्जर जो है वो ये सपोर्ट करता है। और हाँ, इसका जो वन प्लस सेवन प्रो है वो 5G सपोर्टेड वर्जन होगा। लेकिन 5G फ़ोन के बारे में अभी मेरा यही कहना भैया, वेट कीजिए, जब तक 5G नहीं आता उसके बाद ही खरीदिएगा। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, आप हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं, उसके बाद 5G के बारे में एक डिटेल सा वीडियो मैंने बनाया है। और यदि हाँ इसके प्रोसेसर की बात करें, तो भैया प्रोसेसर का तो आपको पता ही होगा, स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर ही ये यूज करेंगे, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है। और भैया फ़ोन की प्राइस की यदि बात करें, तो ये 65,000 रुपये से लेकर और 75,000 रुपये तक की रेंज के आसपास ये हो सकता है भैया ये लाख भी टच कर जाए, बाकी कुछ कहना नहीं। और ये लॉन्च होगा भैया मई के अंदर, देखते हैं मई के अंदर ये कब लॉन्च होता है। इस वीडियो में इतना ही था, आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।